अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। अरविंद केजरीवाल को जिस ढंग से ईडी ने जो है समन भेजा था, अब इस पूरे मामले में ये माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सुनिश्चित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है दर्शकों के उनके घर पर सुबह सुबह ईडी पहुंच गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ईडी जितने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल को शराब आबकारी नीति मामले में समन जारी कर रही थी, लेकिन उस पर जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल के घर अचानक ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ जो है सामने वो पेश नहीं हुए, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस तरीके के कदम को उठाने के बारे में ईडी पहले से ही संकेत दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन बुलाया भी था, लेकिन अब तक केजरीवाल नहीं पहुंच पाए हैं। ईडी के नोटिस के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है, और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले के बाद अब राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जाए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये काफी बड़ी चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधन में इससे पहले ये बातें कहते हुए नजर आए थे कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है, और इसी वजह से 1 दिसंबर से ही मैं भी केजरीवाल अभियान को जोर शोर से आम आदमी पार्टी चला रही थी। और अब ऐसे में नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है क्या कदम उठाया जाएगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और ईडी के इस एक्शन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पर हमारी नजरें बनी हुई है, जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।